सरों का। पाक विदेश मंत्री ने मोदी को कसाई कहा, बयान के विरोध में भाजपा का विरोध प्रदर्शन। राहुल बोले, चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही। भाजपा नेता बोले, सोनिया प्रियंका इन्हें पीटे ताकि इनमें देश के लिए वफादारी आए। सीजीआई ने बिजली चोरी के दोषी को रिहा किया, बोले कोई केस छोटा नहीं। रिजिजू ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट छोटे नहीं। आंध्र में टीडीपी वाईएसआर कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। पालनाडु में दोनों पार्टियों के वर्कर्स ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। सुपर हीरो और एस्ट्रोनॉट की कॉस्ट्यूम में दिखे ट्रंप। पैसे कमाने के लिए पूर्व यूएस राष्ट्रपति ने खुद के डिजिटल कॉस्ट्यूम रिलीज किए। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। राजधानी लखनऊ में सभी निकायों में बनाए गए रैन बसेरों की व्यवस्था की नगर विकास मंत्री श्री एके शर्मा ने वर्चुअल समीक्षा की। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी ना सोए, इसकी सतत निगरानी की जाए। सभी स्थायी व अस्थायी रैन बसेरों में बेसहारा व गरीबों के रुकने की समुचित व्यवस्था हो। इसके साथ ही शेल्टर होम की जानकारी के लिए बड़े साइनेज लगवाए जाएं और इसमें संचालक का नाम व नंबर भी हो। इसके साथ ही अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व रेलवे स्टेशनों के आसपास रैन बसेरा जरूर बना हो। आज मैंने सभी नगर निगमों और ज़्यादातर नगर पालिका परिषद और कई नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी के साथ ठंडी के मौसम में सामान्य व्यक्ति के लिए, निराश्रित व्यक्तियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हमारे नगरों में हैं ठंडी से बचने के लिए, बचाने के लिए, उसकी समीक्षा किया। सभी नगरों में जो शासन की तरफ से निराश्रित लोगों के लिए रात्रि के आश्रय स्थान बने होते हैं, ऐसे सारी व्यवस्थाओं की मैंने समीक्षा किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानपुर आगमन पर उनका स्वागत करते हुए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने जो पोस्टर डिजाइन जारी किया है, इसमें इरफान सोलंकी की फोटो लगाकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश साफ झलक रही है। बता दें, पोस्टर में अखिलेश यादव को छोटे नेता बताया गया है। इसके साथ ही पोस्टर में मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्रा, शिवपाल सिंह यादव और आजम खान का फोटो भी लगाया गया है। इसके साथ ही एक नारा भी दिया गया है कि उसूलों पर जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में भू माफियाओं के द्वारा एक जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है, जिसके शिकायत पीड़ित के द्वारा थाने में की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने किसान नेताओं के साथ मिलकर डीएम कार्यालय का घेराव किया है। किसान नेताओं का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी पुलिस से साठगांठ करके भू माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। पुलिस माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। फिलहाल किसान नेताओं के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। हम लोग, मैं देवेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, हम लोग एक हमारे प्लॉट पर गांव के एक दबंग व्यक्ति ने फर्जी तरीके से प्लॉट पर कब्जा कर लिया और फर्जी तरीके से उस प्लॉट का बैनामा करा लिया है। इसके संबंध में हम लोग SBRA साहब से दो बार मिल चुके हैं, DM साहब के पास भी पहले मिल चुके हैं। आज DM साहब ना होने के कारण ADM साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। तो कहाँ का मामला है ये? थाना गंगेरी में ग्राम पंचायत बलौना छतरा से। संबंध में ज्ञापन दिया है, हमारा गंगेरी थाना जो पड़ता है, इसमें गांव पड़ता है, उसमें हमारे किसान भाई ने प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीदने के बाद उसमें कोई समस्या पड़ गई, जिसमें वो कोर्ट में केस चला गया। गांव के कुछ दबंगे लोगों ने उन पर फर्जी बैनामा दिखाकर और कब्जा ले लिया। कब्जा किस तरीके से लिया गया, जो पुलिस प्रशासन की तानाशाही चल रही है,
पुलिस प्रशासन से उनकी साठगांठ करके पुलिस प्रशासन ने कब्जा दिलवा दिया। आज हमने ज्ञापन दिया अपने EDM साहब को, हम कप्तान साहब से मिलना चाह रहे थे, DM साहब से मिलना चाह रहे थे, क्योंकि आज किसी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव जो BJP के अलीगढ़ में आए, तो हमारी कप्तान साहब से DM साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। अलीगढ़ के तहसील अतरौली क्षेत्र में बीते दिनों पशुओं को लेकर हुए विवाद में अबतूल पकड़ना शुरू कर दिया है। भाजयुमो के नेता के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भाजयुमो नेता के द्वारा अब अल्टीमेटम दिया गया है। भाजयुमो नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि 48 घंटे के अंदर पशु क्रूरता के तहत कट्टी घर को जाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो भाजयुमो के द्वारा 48 घंटे के अंदर पुलिस की वर्दी में बैठे जय चंदो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। ऐसा है कि अभी लगभग एक हफ्ते पहले हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा अतरौली के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में जो गायें घूम रही थी उनको इकट्ठा करके और अपने गांव में चंदा करके गाड़ी हायर की और उसमें गाड़ी में उनको भरकर गायों को और वहां के प्रशासनिक अधिकारी की परमिशन के साथ एक गौशाला में शिफ्ट कर रहे थे। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो मऊआखेड़ा थाना की पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्हें थाने ले गई। जनता पार्टी ये लोगों भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होने वाली है। 48 घंटे के बाद ऐसे तमाम वाहन जो पशु वधशाला में जाते हैं और नियम विरुद्ध जिन पर पशु क्रूरता का नियम लागू होता है, पशु क्रूरता की धारा उन पर लगनी चाहिए, ऐसे तमाम वाहन जिन वाहनों में ठूस ठूस के पशुओं को लाया जाता है, एक आध मर भी जाते हैं, ऐसे वाहनों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अलीगढ़ का प्रशासन और पुलिस प्रशासन लेके आएगा, ये तय है। रायबरेली में थाना भदोखर में कुछ दिन पहले एक दिव्यांग युवक की कुछ दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद पीड़ित के पिता ने दबंगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई की तो 5 लोगों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन एक दबंग शख्स अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित को मामले की जाँच कराए जाने का आश्वासन दिया है। छः लोग थे, अनिल अवस्थी, राकेश अवस्थी, राजेश अवस्थी, शैलेश अवस्थी, सिद्धांत सिंह, हरिओम सिंह, इन लोगों 6 लोगों में हमको बेल का मारा और हम जिसमें कि हमारे दोनों पैर, दोनों हाथ, सर हमको मरा समझ के छोड़ के भाग गए थे, जिसमें कि 5 लोग जेल में हैं। एक जो सबसे बड़ा अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है अनिल अवस्थी, वो आजीवन कारावास इस सजा में भी है, वो खुलेआम घूम रहा है और वो जो है उसको जो है पुलिस बता रही है कि उसके पास ग्वालियर की CD है। हरदोई में शहर कोतवाली इलाके में कार सवार दबंगों की सरेआम गुंडई देखने को मिली है, जिसमें दबंगों ने एक युवक की पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 23 सेकंड के वीडियो में कार सवार दबंगों ने युवक को 48 डंडे, 13 थप्पड़ और 8 लाते मारी है। दबंगों के हमले में युवक बुरी तरह घायल हुआ है, जिसके बाद युवक ने पुलिस को सूचना दी। वहीं युवक की शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। गोरखपुर के निकाय चुनाव को लेकर BJP का मंथन लगातार जारी है। इसको लेकर महानगर के पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने महानगर के संयोजकों व चुनाव प्रभारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें अभी तक कितना काम हुआ है, क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया और आगे की रणनीति भी तैयार की। साथ ही निकाय चुनाव को कैसे सफल बनाना है, इसको लेकर भी तैयारी की गई और एक रणनीति के तहत काम किया गया। वहीं सभी वार्डों के संयोजक और चुनाव प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमारी विगत दिनों पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक नई दिल्ली में हुई थी और जब भी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक या राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके बाद प्रदेश, क्षेत्र और जिले
इस क्रम में बैठकें होती हैं। विगत पिछले 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, इसमें सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी उन बैठकों में गए थे। उसके बाद अभी कल हम लोगों ने क्षेत्र की बैठक की है और आज से सभी जिलों की बैठकें प्रारंभ। गोंडा में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के लिए जिले के समस्त प्रभारी निरीक्षक व थाना अध्यक्षकों को कड़े निर्देश दिए हैं। इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एटीएम के से छेड़छाड़ कर पैसा चुराने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से कई चीजें बरामद की है। लाव मंटू पासवान को एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक बोलेरो जिसमें बैठ करके अपराध करते थे और एक पुलिस की पिकअप और एक पुलिस का फर्जी परिचय पत्र प्राप्त हुआ है। इनका इनके संबंध में जैसा कि कैनरा बैंक के मैनेजर जिनके द्वारा अभी वो पंजीकृत कराया गया था 457-380 का कि हमारे एटीएम से छेड़छाड़ करके कुछ लोग पैसा निकाल ले रहे हैं, तो इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और जांच पड़ताल में ये क्रम निकल कर आया कि ये तीनों लोग एक बोलेरो में बैठ करके एटीएम चेक करने के नाम पुलिस बन करके एटीएम चेक करने। फिरोजाबाद में थाना दक्षिण मोहल्ला कोटला पाजावा स्थित एक पुरानी हवेली को 17 साल बाद कोर्ट में केस जीतने के बाद कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने हवेली को खाली कराया। जानकारी के मुताबिक इस हवेली में रह रहे 8 परिवारों को अचानक आकर घर से बाहर निकाल दिया और उन 8 परिवारों के सामान को सड़क पर रखवा दिया गया। वहीं परिवारों के लोगों का आरोप है कि उनको कोई पहले से नोटिस नहीं दिया गया, अब वह अपना सामान लेकर कहां जाएं। इस मकान को लेकर वर्ष 2005 में मुकदमा चल रहा था। मेरे सास ससुर सभी लोग रह रहे हैं, अगर खाली करवाना था तो मुझे नोटिस भेजते और नोटिस भेजते तो मुझे टाइम भी देते, तो मैं अपना सामान इस तरीके से ले जाती। ये थोड़ी नहीं है कि मैं अपने घर रह रही हूँ या कोई भी नहीं है कि आप ताला काट दो। ऐसा कौन सा कानून है कि ये कहता है कि किसी के घर पर जाकर ताला काट आओ। ये पुलिस थी या चोर थी ये बताइए। और मेरे घर में मैंने इतना पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, ये लोग आकर देख ले इस हवेली की कंडीशन, देख ले मेरे हिस्से की कंडीशन, देख ले मोहल्ला अब्बुल की हवेली। भाभी चुप हो जाओ, ये मामला हुआ है। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई खबर आई खाली करने के लिए। हमारा केस चल गया था, हम लोग यहाँ रह रहे हैं 50 साल से इस हवेली में। हमारे बाबू रहते थे, हम लोग रह रहे हैं, हमारे बहन भाई रहते थे इसमें। अब हमारी भाई की शादी हो गई, भाभी रह रही हैं, हम भी आते जाते हैं। अब अचानक कोर्ट का ऑर्डर आता है, इन लोगों ने ताला काट दिया। मेरा मना करने के बाद भी ताला काटा इन लोगों ने, कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। 3-4 महीने की तो इंसान कब देता है मोहलत देता है, कोई मोहलत नहीं दिया इन लोग। खाली हो रहा है, मुकदमा 2005 से चल रहा था और कोर्ट ने आदेश किया पुलिस के साथ में, पुलिस फोर्स के साथ में मकान खाली कराया जा रहा है। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह खाली कराने का? नोटिस कोर्ट का काम है ना कि मेरा काम है नोटिस लाने का। कोर्ट में आप देखें जाके कौन क्या क्या है सारी चीजें। औरैया जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनके कार्यालय में 50,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार को टीम औरैया कोतवाली लेकर आई और पूछताछ की। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने से जुड़ी खबर जैसे ही जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षकों को लगी तो चर्चाओं का विषय बन गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विजिलेंस की टीम ने मीडिया को कोई भी जानकारी नहीं दी और आरोपी बीएसए को अपने साथ कानपुर ले गई। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत 3 महीने पहले पुलिस की कार्यशैली से आहत होकर युवक ने विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया था। पुलिस ने शव को कब्रिस्तान से कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया था। वहीं मृतक की मां
इमरान ने बताया कि दोषी पुलिसकर्मी और दरोगा व महिला के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक पत्र के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक मृतक रेलवे रोड पर धकेल लगाकर फल बेचता था। फल बेचते वक्त एक महिला से विवाद हो गया और महिला ने मोबाइल तोड़ दिया। मोबाइल पाने की लालसा में थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक चक्कर लगाए मगर उसे न्याय नहीं मिला। एक दिन वह जब न्याय के लिए चौकी पहुंचा तो दरोगा और पुलिस कर्मियों ने उसे मारा पीटा था। आज हर खेलवा दिया मोबाइल के चक्कर में एक औरत आई जी। कहां खत्म हुआ था? यहां पर चौकी पे। कौन सी चौकी? इस पे कटपुले वाली पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? लड़का खत्म हो गया, जहर खा गए, सरप्राइज खा लिया और कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है मेरी। पुलिस वालों ने मारा, तीन जनों ने, उसका दरोगा ने, मायवाल सिंह दरोगा और उसका क्या नाम है जवान और रेपड़ वाले, इन्होंने सबने मारा। उन्होंने क्या, मैं यहीं जहर खा लूँगा कि खा ले। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के पिपली गांव में 100 रुपए की लेन देन को लेकर गांव जंग का मैदान बन गया और दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं गांव में हुए विवाद की सूचना आसपास व गांव में आग की तरह फैल गई। इस विवाद से कई लोग घायल हुए जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और सभी घायलों को तुरंत टप्पल CHC भेजा गया जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं कुछ घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूरा मामला ये जी, इस लड़के पे 100 रुपया चाहिए उस लड़के के, तो इस पे थे, उसने फोन छीन लियो इप्पो को। उसकी मम्मी गई कि भैया तू 100 रुपया ले ले अपने और हमारे फोन दे दे, तो वाय में मतलब ये इनकी मारपीट हुई है। पहले या छोरा मार रहे हो, जब उन्होंने सबरे ने ढा रखे हो तो या कि मम्मी पहुंची हो, फिर मम्मी में मतलब ये उन्होंने मार लगा दी है। वो आगे बाद में लड़की गई है, फिर लड़की में भी सोटा वोटा मारे हैं, वो हाथ वाथ सूझ रहे हैं सभी। और किसकी चोट ज़्यादा आई है? चोट लड़का के दांत। अभी पीपली गाँव से दो, एक महिला है एक बच्चा है, जो लड़ाई झगड़े का केस हमारे पास इमरजेंसी में आया है, इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दी गई है और आगे मेडिको लीगल करके इसे रेफर कर देंगे अलीगढ़ के। सर एक बच्चे के दांत भी टूटे बताए गए हैं। हाँ, उसको डेंटल ओपिनियन के लिए भेजा जा रहा है और डेंटिस्ट को दिखा करके और जो होगी उसके हिसाब से ट्रीटमेंट और आगे मेडिको लीगल। कितने दांतों में फ्रैक्चर है उसको? दांतों में फ्रैक्चर कितने दांत ऐसे लूजनिंग है, 2 से 3 दांत हैं जिसके लूजनिंग। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।